एक नहीं दो तरामीम, नया प्रोग्राम आ गया। मौलाना की पार्टी में पहली बगावत हो गई। मुल्की सियासत में आईनी तरमीम का शोर, किसका चलेगा जोर, कौन रह जाएगा कमजोर। हुकूमत ने एक और प्रोग्राम बना लिया। मौलाना किस तरमीम में साथ देंगे और किस में नहीं, अब एक नहीं बल्कि दो तरामीम आएंगी। सीनियर सहाफी ने तहलका खेज दावा कर दिया। मौलाना की पार्टी में बगावत हो गई। अहब रहनुमा ने साथ छोड़ने की धमकी दे दी। सहाफी मुजम्मल सोहरवर्दी ने नया इंकशाफ कर दिया। कहा कि हुकूमत ने फजलुर रहमान को मना लिया था। सदर जरदारी उनसे मुलाकात करने गए थे और तोहफा भी दिया, जिसके बाद वजीर आजम ने भी घर जाकर वोट देने की दरख्वास्त दी। लेकिन फिर अचानक गेम चेंज हो गई। ऐसा बगैर किसी वजह के नहीं हुआ। मुजम्मल सोहरवर्दी ने दावा किया कि इस वक्त हुकूमत का एजेंडा ये है कि किसी तरह मौलाना को कायल कर लिया जाए। हो सकता है कि सरकार पहले मौलाना फजलुर रहमान की लाई हुई तरमीम को सपोर्ट कर दिया जाए और बाद में फौरी एक और तरमीम ले आई जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अब एक नहीं दो आईनी तरमीम लाई जाएंगी, इसके बाद हुकूमत दूसरी तरमीम लाएगी और यूं बारी बारी एक दूसरे की इज्जत रखी जाएगी। सीनियर सहाफी ने दावा किया कि ऐसा लगता है कि मौलाना की अपनी पार्टी के लोग ही बात मानने को तैयार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के लोगों ने वोट देने से इनकार कर दिया है और इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि माजी में भी मौलाना को उनके साथियों ने ही छोड़ा था। अब इन हालात में तो यही नजर आ रहा है कि हुकूमत दो तरामीम लेकर आएगी। मुजम्मल सोहरवर्दी ने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज एक बेहतरीन चीफ जस्टिस साबित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने इख्तियारात कमेटी को दिए। जब भी तारीख का जिक्र होगा तो उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो तरमीम करनी है वही की जाएगी, लेकिन मौलाना अब अपनी साख खो चुके हैं, क्योंकि सबको यही लगता है कि मौलाना ने पहले हाँ की और बाद में ना कर दी, और इस बुनियाद पर इन्हें तनकीद का सामना है। अब चाहे जो भी कोशिश कर ले, तरमीम तो होगी, चाहे मौलाना के साथ या उनके बगैर, इसके लिए काम जारी।